हेलो दोस्तों, म्यूट था भाई आवाज़। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग मानसी। बिहार से कोई है निखिल? मैं हूँ भाई बिहार से। चलो, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास है वो मिरर इमेज वाटर इमेज पर होगी, और नॉन वर्बल पार्ट में बड़े बच्चों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आजकल। क्या गलती हो रही है, ऐसा क्या कर रहे हैं कि आजकल के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों के गलत होंगे। देखो बच्चे, कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। बिना पेन उठाए अगर आपने रीजनिंग की, 8 से 10 मिनट में अगर आप रीजनिंग की और 50 में से 50 अगर मार्क्स आप लेकर के आए, तो समझो कि आप रीजनिंग में स्ट्रोंग हो। अदरवाइज आपको रीजनिंग में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और मैं मेरी क्लास में आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ही आया हूं। तो ये डेली रात को 9 बजे क्लास रहती है, 9 PM में आपको डेली पढ़ाता हूं। और कल मैंने एक क्लास ली थी कैलेंडर की मैराथन क्लास ली थी, उस क्लास को देखना। उस क्लास से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, और टाइम टू टाइम मैं आपको ऐसी मैराथन देता रहूंगा। उस क्लास को क्लास के बाद जरूर देख लेना, कैलेंडर की मैराथन वीडियोज में जब आप जाओगे तो मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, आप इस तरीके की क्लास देख करके अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करो। जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद अपना फीडबैक जरूर बताया करो। इंडिया के बेस्ट टीचर से 1 लाख स्टूडेंट लाइव हैं। चलो मोहित सिंह, बहुत जल्दी 1 लाख स्टूडेंट भी लाइव होंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे, और ये सारा प्यार और सपोर्ट थोड़ा कमेंट और शेयर में भी किया करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें जल्दी से। और बच्चे, मैंने 10 डेज 10 टॉपिक की प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाओ अभी नहीं, क्लास के बाद, ठीक है? क्योंकि है तो वो भी रीजनिंग के चैप्टर ही, 10 डेज 10 टॉपिक की प्लेलिस्ट, ठीक है? 10 डेज 10 टॉपिक की प्लेलिस्ट में 5 वो टॉपिक कराए हैं जिनमें सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। तो एनालॉजी कराया है मैंने, क्लासिफिकेशन कराया, बहुत सारे टॉपिक कराए हैं मैंने 10 डेज 10 टॉपिक की प्लेलिस्ट में, आप देखना। ठीक है बच्चे, सुबह डेली साइंस की क्लास चलती है। साइंस, अगर जीएस में बात करूं, जीएस जिसकी वीक है तो वो साइंस पे सबसे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज साइंस का ही रहता है। इसी वजह से इस यूट्यूब चैनल पे साइंस की क्लास लगाई गई है। जीएस में साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए सुबह 9 बजे साइंस की क्लास में लाइव रहा करो। शाम को 7 बजे आदित्य रंजन सर आपको मैथ्स करा रहे हैं, बड़े डिटेल में मैथ्स चल रहा है। मैथ्स के बहुत डिफरेंट कंसेप्ट, आप कहीं से भी मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स के बहुत डिफरेंट कंसेप्ट आपको शाम को 7 बजे मिलेंगे। और रात को 10 बजे डेली इंग्लिश की क्लास चलती है, और इंग्लिश में बच्चों की प्रॉब्लम रहती है वोकैब की सुबह 10 बजे, ग्रामर की रात को 10 बजे। कंप्लीट सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, बस आप अपना प्यार और मोहब्बत दिखाए रखो। पिछले 2 महीने में जिस तरीके से आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है, हम वादा करते हैं कि अगले 2 साल तक हम बड़े बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, और 2 साल के बाद आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस तरीके से कंटेंट बना रहे हैं सारे टीचर्स, और रात को 9 बजे मेरी क्लास लाइव रहती है। तो मिरर इमेज वाटर इमेज में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखते हैं बच्चे। देखो, मिरर इमेज वाटर इमेज में अगर मैं बात करूं, तो पहले मैं कंसेप्ट सिखा दूं। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर विल बी नियर इन इमेज ऑल्सो। मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर, वस्तु का नजदीक का भाग, विल बी नियर इन इमेज ऑल्सो, प्रतिबिंब में भी नजदीक ही दिखेगा। वस्तु का नजदीक का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही दिखेगा, वस्तु का नजदीक का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही दिखेगा। क्वेश्चन हम करेंगे, पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। जो नजदीक है वो नजदीक है। जैसे मैंने एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट बनाई, पहले कंसेप्ट सीखना जरूरी है, और कंसेप्ट कभी भी क्वेश्चन से नहीं आता, कंसेप्ट कंसेप्ट से ही आता है। जो मेरे दिमाग में, वो आपके दिमाग में तभी तो छपेगा जब मैं मेरे दिमाग की इमेज आपके सामने रखूंगा। तो जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। कैलेंडर की पीडीएफ, कैलेंडर की पीडीएफ अपलोड कर दी थी बच्चे, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर कैलेंडर की पीडीएफ अपलोड कर दी थी। टेलीग्राम ज्वाइन करो, रैंकर्स गुरुकुल लाइव नाम से टेलीग्राम मिलेगा, रैंकर्स गुरुकुल लाइव, उस टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर दी थी कैलेंडर की। ठीक है, तो जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। एरो मिरर की तरफ जा रही है, एरो मिरर की तरफ जा रही है, एरो मिरर की तरफ जा रही है, तो एरो मिरर की तरफ ही जाएगी।
एरो मिरर की तरफ जा रही है तो एरो मिरर की तरफ ही जाएगी, ठीक है, एरो मिरर की तरफ जा रही है तो एरो मिरर की तरफ ही जाएगी। ये सर्कल नजदीक है तो सर्कल नजदीक होगा, जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है, जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। ये सर्कल नजदीक है तो नजदीक होगा, ये सर्कल दूर है तो दूर होगा, यानी कि जो नजदीक, नो डाउट बुक्स में आपको दे रखा लेफ्ट राइट में बदल जाएगा, राइट लेफ्ट में बदल जाएगा। अरे बच्चे ये सब ध्यान आप मत रखो ना, अपने आप ही लेफ्ट राइट में बन जाएगा। देखो जैसे ये पार्ट राइट में है तो ये पार्ट लेफ्ट में आ गया, अपने आप ही बदल गया। आप बस ये ध्यान रखो जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। एरो मिरर की तरफ जा रही है तो एरो मिरर की तरफ जाएगी, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेम अगर मैं वाटर इमेज में बात करूं तो वाटर इमेज का मतलब है इस तरफ मिरर लगना, नीचे की तरफ मिरर लगना। अगर मैं वाटर इमेज में बात करूं, अगर मान लो एरो ऐसे है और ये एरो इस तरीके से है, तो जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। तो एरो अगर मिरर की तरफ जा रही है तो एरो मिरर की तरफ जाएगी, एरो मिरर की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है तो एरो मिरर की तरफ जाएगी, ये एरो मिरर से दूर जा रही है तो एरो मिरर से दूर जाएगी। ये वाटर इमेज ऐसे मिरर रखना ही वाटर इमेज जल प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको अल्फाबेट्स की इमेज सिखा देता हूं, एक बार मैं आपको अल्फाबेट्स की इमेज सिखा देता हूं, ठीक है। चलो ए की मिरर इमेज कैसी बनेगी, ए की मिरर इमेज सेम बनेगी, एक ही मेरे इमेज सेम बनेगी। नोट्स जरूर बना लेना, मेरी क्लास में नोट्स जरूर बना लेना। ऑनलाइन पढ़ रहे हो डजन मीन कि आप मेहनत मत नहीं करो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। ए सेम बनेगा, बी राउंड शेप मिरर की तरफ है तो बी राउंड शेप मिरर की तरफ होगा, सी ओपन माउथ मिरर की तरफ है तो सी ओपन माउथ मिरर की तरफ होगा, डी अगर ये राउंड शेप मिरर की तरफ है तो डी राउंड शेप मिरर की तरफ होगा। इस तरीके से ई अगर ओपन माउथ मिरर की तरफ है तो ई ओपन माउथ मिरर की तरफ होगा। इस तरीके से एफ की इमेज ये बनेगी, जी की इमेज ये बनेगी, एच की इमेज ये बनेगी, आई की इमेज सेम बनेगी, ठीक है, आई की इमेज सेम बनेगी, ठीक है। इस तरीके से अगर जे बात करें तो जे इस तरीके से दिखाई देगा, के इस तरीके से दिखाएगा, एल इस तरीके से दिखाएगा, एम इस तरीके से दिखाई देगा, एन एक ऐसा लेटर है जो सेम दिखाई देता है बट सेम होता नहीं है, सेम दिखाई देता है सेम होता नहीं है। नीचे क्लोज माउथ नजदीक है, ऊपर क्लोज माउथ दूर है, नीचे क्लोज माउथ नजदीक है, ऊपर क्लोज माउथ दूर है, तो एन इस तरीके से बनेगा। ओ सेम दिखाई देगा, पी बदल जाएगा, क्यू बदल जाएगा, आर फिर से पलट जाएगा, एस ऊपर राउंड शेप दूर है तो ऊपर राउंड शेप दूर होगा, टी सेम रहेगा, यू सेम रहेगा। इस तरीके से सारे लेटर की इमेज आपको आ गई। वी सेम रहेगा, डब्ल्यू फिर सेम रहेगा, एक्स फिर सेम रहेगा, वाई गलती ये करते हैं बच्चे, वाई ये सोचते हैं, वाई ये नहीं होता बच्चे, ये वाई नहीं होता, ये गलती होती है। वाई भी सेम रहेगा, वाई भी सेम रहेगा। जब पूछा जाता है कि कितने लेटर सेम रहेंगे मिरर इमेज में तो वाई काउंट किया जाता है, वाई भी सेम रहेगा, और जेड की इमेज मिरर इमेज ऐसे बनेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखते हैं। देखो बच्चे ये मिरर दिया है, एल और एक्स दिया है। पहली चीज फिगर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो मिरर इमेज हो, वाटर इमेज हो, चाहे आपका पेपर कटिंग हो, पेपर फोल्डिंग हो, एम्बेडेड फिगर हो, चाहे कुछ भी हो, फिगर के जितने भी क्वेश्चन हैं, हमेशा फिगर के जितने भी क्वेश्चन हैं हमेशा तीन ऑप्शन गलत करना, एक ऑप्शन सही अपने आप आ जाएगा। सही ऑप्शन मत ढूंढना, मैंने क्या बोला, सही ऑप्शन मत ढूंढना, तीन ऑप्शन गलत ढूंढना, एक सही जल्दी भी आएगा और एक्यूरेट भी आएगा। गुड इवनिंग भाई, आशीर्वाद सब बच्चों को, गुड इवनिंग सारे बच्चों को, ठीक है। और वीडियो को लाइक, जिसने नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। डेली रात को 9 बजे, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे आपकी शादी ही क्यों ना हो, फेरे पोस्टपोन कर दो, बट 9 बजे की क्लास जरूर अटेंड करो, क्योंकि यही क्लास आपका सिलेक्शन दिलाएगी। मैं अब
क्लास के साथ साथ ही, क्लास में ही पढ़ाने के साथ साथ आपको गाइडेंस, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये सब मैं आपको बताता रहूंगा 9 बजे की क्लास में। गुड इवनिंग तनु दैया, गुड इवनिंग सबको, ठीक है। चलो सिंपल सा फंडा है, 3 ऑप्शन गलत करने हैं। अब देखो बच्चे, जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। एक चीज तो क्लियर है, एल नजदीक है, एल नजदीक है। अब एल अगर नजदीक है तो एल से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन तो गया। एल इस तरीके से पलट जाएगा, इस तरीके से पलट जाएगा, तो सेम ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो ये ना हो पोस्टपोन, फेरे पोस्टपोन नहीं होंगे, है ना, सब कुछ पोस्टपोन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या बोला, नौकरी, और नौकरी किस लिए बोला, नौकरी पाने के लिए, है ना। दूसरी बार भी मैंने नौकरी बोला है, आपको कुछ और सुनाई दिया है, ठीक है। चलो तो जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक गलती ये होती है बच्चे, जैसे बड़ा वर्ड अगर आ जाता है, बड़ा वर्ड अगर आ जाता है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने बोल दिया नेशनल, ठीक है, तो गलती ये होती है कि बच्चे क्या शुरुआत कर देते हैं, एन से शुरुआत कर देते हैं, और एन से ऑप्शन में भी मिल जाता है, एन से शुरुआत कर देते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट बना करके ऑप्शन में भी मिल जाता है, और टिक भी कर देते हैं और टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ये पहली गलती बच्चे, एल नजदीक है तो एल नजदीक होगा ना, एल नजदीक है तो एल नजदीक होगा, एल नजदीक है तो एल नजदीक होगा। ए सारा सिलेबस करवाऊंगा बच्चे, ठीक है पुष्पेंद्र, यूपीएसआई का भी करवाऊंगा, यूपी कांस्टेबल का भी करवाऊंगा, यूपी के सारे एग्जाम का भी सिलेबस करवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। कल की क्लास देखो, कैलेंडर की, कल की जो क्लास हुई थी मैराथन, उसमें कैलेंडर में पूरा कैलेंडर करा दिया, आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा करके देखो, उस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो एन, उसके बाद ओ, उसके बाद आई, उसके बाद टी, उसके बाद ए, उसके बाद एन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो, नेक्स्ट, जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। 3 ऑप्शन गलत करेंगे, क्या करेंगे, 3 ऑप्शन गलत करेंगे। अब एक बात बताओ, ये स्टार तो सब में सेम ही मिलना है, तो स्टार को मत देखो ना, आप इजी बनाओ चीजों को, चीजों को अगर आप इजी बनाओगे तो बड़ा आसान रहेगा, चीजों को इजी बनाओ। देखो ये स्टार तो सेम रहेगा, ठीक है, ये स्टार तो सेम रहना है, ये स्टार तो सेम रहना है, स्टार कैसा बना वो मत देखना, ठीक है, ये स्टार तो सेम रहना है, सिंपल सा फंडा है। अब एक डॉट देखो, डॉट यहां पर आएगा तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं बनाया, जल्दी आंसर क्यों आएगा 3 ऑप्शन गलत करने में, हमेशा याद रखना, फिगर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सही आंसर नहीं ढूंढोगे, आप गलत आंसर ढूंढोगे, आप गलत आंसर ढूंढोगे। सर आपकी पीडीएफ नहीं आई कैलेंडर की टेलीग्राम चैनल पे, अभी चेक करता हूं, कैलेंडर की पीडीएफ कल तो अपलोड की थी यार, एक सेकंड भाई, अभी दोबारा अपलोड कर रहा हूं कैलेंडर की पीडीएफ, ठीक है, दोबारा अपलोड कर रहा हूं, अपलोड कर दी थी वो बीच में रुक गई होगी, दोबारा अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। कभी भी 3 ऑप्शन गलत ढूंढोगे, 1 ऑप्शन सही नहीं ढूंढोगे, उससे पता क्या होगा बच्चे, पूरे फिगर पे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे फिगर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने इस डॉट को देखा, इस डॉट को देखने से ही ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, अरे कैसे बनेगा वो तो मैटर ही नहीं करता, कैसा बनेगा वो तो मैटर ही नहीं करता, ठीक है। और जो सही आंसर है वो भी एक बार यहां थोड़ी एरो लंबी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां एंड तक था, ठीक, ये एंड तक लाइन थी,
ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, इसमें भी तीन ऑप्शन गलत करेंगे, पूरा फिगर एनालिसिस नहीं करना, आसान पड़ेगा। ठीक है, पूरा फिगर एनालिसिस नहीं करना। अब उस ऑप्शन को ठीक कर दिया बच्चे, मैंने उस ऑप्शन को ठीक कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सिंपल सा फंडा, इस तरफ एरो है, इस तरफ मिरर हो चाहे इस तरफ मिरर हो, एक ही बात है, इस तरफ मिरर हो चाहे इस तरफ हो, मिरर से दूर स्ट्रेट लाइन है, मिरर से दूर स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन है ना मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर इस तरफ स्ट्रेट लाइन होगी। ये गलत और ये गलत, ये दो ऑप्शन तो गए, ये दो ऑप्शन तो गए, ठीक है, क्योंकि मिरर से दूर स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है भाई, सिंपल सा फंडा है, ये पार्ट तो सेम रहेगा। ठीक है, अब इस तरफ ये लाइन बनेगी, ये लाइन ऊपर से नीचे तक कॉर्नर को मिला रखा है, ऊपर से नीचे तक कॉर्नर को मिला रखा है, तो इस तरीके से लाइन बनेगी, इस तरीके से लाइन बनेगी, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, इसमें अंदर की लाइन है। ठीक है, अब ये बाहर लाइन है, ट्रायंगल के अंदर लाइन नहीं है, ट्रायंगल के बाहर लाइन है, डी इज द राइट आंसर। इसमें ये गलती थी, आप गलती ढूंढो। बचपन में एक बाल भास्कर में एक गेम आया करता था, दो सिमिलर फिगर आया करती थी, उनमें पांच गलतियां ढूंढा करते थे, खेला था वो गेम, कई बार संडे को 10 गलतियां आती थी, बड़ा मजा आता था। वो इसीलिए आता था क्योंकि बाल भास्कर को मालूम था कि भविष्य में आप ग्रेजुएशन करोगे और ग्रेजुएशन के बाद आपकी नौकरी नहीं मिलेगी और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, और तैयारी करोगे तब आपको फिगर के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा, और जब आपको फिगर के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा तो बचपन से ही आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया कि गलतियां ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, नहीं बच्चे डेली, संजय डेली क्लास होती है रात को 9 बजे, कल मैराथन हुई थी, कल बीच बीच में मैं मैराथन लेकर के आता हूं, जिस दिन मैराथन लेकर के आता हूं कंप्लीट टॉपिक होता है, उस दिन 9 बजे नहीं होती। ठीक है, तो बीच बीच में कंप्लीट टॉपिक 3-4 घंटे की आपकी क्लास होती है, मैराथन को मैक्सिमम देखना, कैलेंडर की क्लास हुई है उस क्लास को जरूर देखना क्लास के तुरंत बाद। ठीक है, पूरा सिलेबस कराऊंगा, क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, जो नजदीक और नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। अब इससे क्या है कि हमें कंप्लीट फिगर पे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखो, ये इस तरफ फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है, मिरर से दूर एरो है। देखो बच्चे, मैं पूरा फिगर बनाऊंगा भी नहीं, उससे पहले ही हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इजी पार्ट पे एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, पहले इजी पार्ट में एनालिसिस करेंगे, आसान पार्ट में। अब इस फिगर को अगर मैं देखूं तो आसान पार्ट है ये वाला पार्ट, आसान है कि ये दूर है तो एरो इस तरफ आएगी, एरो इस तरफ आएगी तो एक ऑप्शन तो खत्म, एरो इस तरफ आएगी तो ये ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो है बच्चे, ये जो एरो है, ये जो लाइंस हैं, ये जो पार्ट है लाइंस है, ये मिरर के नजदीक है भाई, यहां मिरर है ना, ये मिरर के नजदीक है, तो ये मिरर के नजदीक होंगी इस तरीके से, ये मिरर के नजदीक है तो ये मिरर के नजदीक होंगी इस तरीके से, यानी कि इस पार्ट में जिसमें भी ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। देखो पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बच्चे क्या करते हैं पूरा फिगर बना करके देखते हैं या फिर सही ढूंढने के चक्कर में पूरे फिगर पे एनालिसिस करते हैं। हमें यही तो डिफरेंट तरीके से सीखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपने एरो देखा, पहला ऑप्शन खत्म, जैसे ही आपने ये पार्ट देखा, आपने जैसे इस पार्ट पे एनालिसिस किया कि ये मिरर के नजदीक है तो मिरर के नजदीक होगा, ये देखो इस पार्ट में ही, सिर्फ इस पार्ट में ही इस तरफ लाइन दे रखी है, ना इस पार्ट में लाइन दे रखी ना इस पार्ट में लाइन दे रखी, तो ये दोनों ऑप्शन गए, और दोनों ऑप्शन गए तो काम बन गया। हमें आसान पार्ट पहले ढूंढना है, मुश्किल पार्ट अपने आप इग्नोर हो जाएगा। हमें टिपिकल पार्ट में एंटर ही नहीं करना, मैं यही तो चाह रहा हूं कि मुश्किल कितना ही पार्ट हो हमें उसमें एंटर नहीं करना है। ठीक है, चलो अगला सेशन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से एक बार सोच के बताओ जल्दी से, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो, व्हाट्सएप स्टेटस तो छोटी सी चीज है, शेयर पे क्लिक किया व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, बस आपके यार प्यार मित्र भाई बंधु जो हैं वो देख लेंगे, साथ में आप व्हाट्सएप जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दो। ठीक है,
मेरा कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर है भाई, शुरुआत से मैं मुखर्जी नगर ही पढ़ा रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन वहीं से दिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन के साथ साथ मैक्सिमम रैंक निकाली है। बट अब तो बंद है तो घर पे बैठ के पढ़ो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां देखो सिंपल सा फंडा है। अब इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ा मैग्नीफाइड करके मैं आपको बनाऊंगा, ये बॉक्स, ये जो पार्ट है, ये जो बॉक्स है ये नजदीक है, ये जो बॉक्स है, ये जो डबल बॉक्स है ब्लैंक व्हाइट कलर का, ये नजदीक है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, नजदीक है लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ये ऑप्शन गया, इसमें डबल बॉक्स ही नहीं है, ये ऑप्शन गया, ये लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स ही नहीं है, ये ऑप्शन गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरा फिगर बनाने की जरूरत पड़ी, यही तो सीखना है, डिफरेंट कंसेप्ट सीखने हैं ना बच्चे, अलग तरीके से सीखना है तो ही मेरे से पढ़ने का फायदा है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज पे ध्यान रखता हूं कि बच्चे को क्वेश्चन करना आना चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जल्दी से सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है, जल्दी से सोल्व करना आना चाहिए। सिर्फ मैंने व्हाइट बॉक्स को देखा, व्हाइट बॉक्स को देखा, डबल बॉक्स को, ये नजदीक है तो नजदीक होगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बात बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी देखना, इसमें भी, अब देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, मैं इसमें एंट्री ही नहीं करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड फिगर में इसमें एंट्री ही नहीं करूंगा, मैं इजी पार्ट में रहूंगा ना, क्यों एंटर किया, मैं पूरी फिगर को देख ही नहीं रहा, मैंने नहीं देखा पूरी फिगर, मैंने सिर्फ सबसे आसान पार्ट देखा। मैंने क्या देखा, इस फ्लैग को देखा, भाई इससे आसान क्या है, अलग से फ्लैग है। अब यह तो क्लियर हुआ कि यह फ्लैग जो है इस तरीके से आएगा, यह तो क्लियर हुआ कि यह फ्लैग इस तरीके से आएगा। अब ये देखो, ये फ्लैग इस तरीके से आएगा, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, बात बन गई, मजा आया। पूरा मैक्सिमम बच्चे पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, नहीं करना मेरे भाई, यही तो सिखाना है आपको कि नहीं करना पूरे क्वेश्चन पे एनालिसिस, इजी पार्ट में रहो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर क्यों ना आ जाए आप आसान पार्ट में रहो। अब इस पार्ट को पूरे को मैं देख ही नहीं रहा, मैंने सबसे पहले फ्लैग देखा, मान लो किसी ऑप्शन में फ्लैग इसी तरफ होता, किसी ऑप्शन में फ्लैग इसी तरफ होता तो मैं ये पार्ट देखता, फिर मैं ये पार्ट देखता, ठीक है, उसके बाद मैं ये पार्ट देखता, क्योंकि उससे आसानी ये, फिर ठीक है, आप कितना ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए आप इजी पार्ट को ढूंढो। तीन ऑप्शन गलत ढूंढो, एक ऑप्शन सही आएगा, तीन ऑप्शन गलत ढूंढो, एक ऑप्शन सही आएगा। अगर मैं इस दीपक की बात करूं तो दीपक में कंप्लीट नहीं देखना, मुझे यह देखना है कि यह जो पार्ट है यह नजदीक है, यह जो पार्ट है यह नजदीक है, मतलब मिरर के नजदीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो मिरर के नजदीक होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा क्योंकि राइट हैंड साइड है, नजदीक होगा, ना ये है ना ये है, इसमें नजदीक तो है लेकिन ये डॉट कहां लगा रखा है, ना ये है, काम बन गया, ठीक है, क्लियर। आप टफ पार्ट को मत देखो, इजी पार्ट को देखो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ फिगर, फिगर दे रखी है उसको कंप्लीट करना है, छुपी हुई आकृति, आकृति की श्रृंखला को कंप्लीट करना है, ये सारे क्वेश्चन बड़े आसान है लेकिन बच्चों के मार्क्स क्यों कटते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट फिगर पे एनालिसिस करने लग जाते हैं और आपको कंप्लीट फिगर पे एनालिसिस नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये मुझे मालूम है कि ये जो कैप है, ये कैप इस डायरेक्शन में बनेगी, ये कैप इस डायरेक्शन में बनेगी, बनेगी कैसे वो तो बाद की बात है, बट इस डायरेक्शन में कैप बनेगी, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बात बन गई, ठीक है, खेल खत्म, सागर का साना, सही कह रहे हैं, ठीक भाई, कैप दूर जा रही है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कैप होगी नहीं, नीचे की तरफ कैप होगी नहीं, नीचे की तरफ कैप होगी नहीं, सीधा आदमी, कभी आप शीशे में देखते हो, कभी ऐसा हुआ कि आपने शीशे में देखा सीधा आदमी उल्टा दिखाई दे रहा है,
ऐसा नहीं होता, शीशा सच्चाई बोलता है, जैसे आप हो वैसे ही हो, फिल्टर नहीं लगते यहां पर, ठीक। चलो क्लियर। अब मैंने इसमें पूरा फिगर नहीं बनाया, ना मैंने ये व्हाइट और ब्लैक देखा, मेरा काम बन गया, आए हुए क्वेश्चन है, और ये 2019 और 20 में आए हुए क्वेश्चन लेकर के आया हूं, 2020 या 19 कुछ क्वेश्चन 2018 के हैं, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपा भाई ये कैप बोल लो। चलो इसमें देखो, हमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में एंटर नहीं करना, हमें ये देखना है कि ट्रायंगल तो इस डायरेक्शन में बनेगी, ट्रायंगल इस डायरेक्शन में बनेगी, तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ट्रायंगल इस डायरेक्शन में बनेगी, कॉर्नर नजदीक है तो कॉर्नर नजदीक होगा, कॉर्नर नजदीक है तो कॉर्नर नजदीक होगा। अब सुनो ध्यान से, किसी भी पार्ट को देख लो, चाहे ब्लैक को देख लो, चाहे इस सर्कल को देख लो, इस सर्कल को देख लो, चाहे ब्लैक पार्ट को देख लो, ब्लैक पार्ट जो है, ब्लैक पार्ट आपका ये जो ब्लैक पार्ट है ये ऊपर है, ऊपर ब्लैक पार्ट है, ठीक। ब्लैक पार्ट जो है आपका वो ऊपर है, ये वाला है कि नहीं, तो नीचे ब्लैक पार्ट तो नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म, काम बन गया। कंप्लीट फिगर एक में भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीन ऑप्शन ढूंढो, गलत करो। हो सकता है पहली बार में ही तीन ऑप्शन गलत हो जाएं, नहीं तो जैसे इसमें दो ऑप्शन बच गए थे, थोड़ा सा और एनालिसिस करोगे, एक और ऑप्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट को एनालिसिस देखो। सबसे पहले मैं अगर इसमें देखूंगा तो मुझे यह पता चलेगा कि सिंपल सा फंडा है, एक चीज क्लियर है कि दो ऊपर की साइड है और दो इस डायरेक्शन में बनेगा। एक सेकेंड, देखो दो ऊपर की तरफ है तो दो इस डायरेक्शन में बनेगा, है कि नहीं। इस डायरेक्शन में इसमें तो नहीं दे रखा, डी ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन तो गलत हो गया। क्रॉस जो है, ये जो क्रॉस जालीदार क्रॉस है वो नीचे है यहां, क्रॉस जो है, जो जालीदार क्रॉस है वो नीचे है यहां, यहां पर क्रॉस है जालीदार, ऐसे जालीदार क्रॉस है नीचे, ठीक है। क्या इसमें है? नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। क्या इस इन दोनों में है? इन दोनों में है। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया, दोनों में जी भी सेम दे रखा, दो भी सेम दे रखा, ये भी सेम दे रखा। अब इसमें इन लाइंस को देखो, इन लाइंस को देखो, ये दो कॉर्नर को मिलाने वाली लाइंस है, दो कॉर्नर को मिलाने वाली लाइंस है, ठीक है। सेंटर से नहीं मिल रही, दो कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन है, सेंटर से नहीं निकल रही कोई भी लाइन, कोई भी लाइन सेंटर से नहीं निकल रही, इसमें तो सेंटर से लाइन निकल रही है, तो ये ऑप्शन गया, बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ए जवाब दिया, बच्चे यहां पर जालीदार क्रॉस कहां बना रखा है, लाइंस बना रखी हैं, तो यानी कि ए तो गलत हो गया, ठीक है, डन। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, जल्दी से बताओ अब आप, अब तो आपका टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आ गया, आप बताओ। आसान पार्ट को ढूंढते रहो बच्चे, आसान पार्ट को ढूंढते रहो। अगर मैं इसकी शुरुआत करूं तो नो डाउट ऐसे शुरुआत होगी, तो ऐसे शुरुआत क्या इसमें है? ना। क्या इसमें है? ना। क्या इसमें है? ना। बात बन गई, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है, तो ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुआ? ठीक। चलो नेक्स्ट, इसमें देखो ट्रायंगल सीधी बनेगी, ट्रायंगल सीधी बनेगी तो ये दो ऑप्शन तो खत्म, ट्रायंगल अगर सीधी बनेगी तो दो ऑप्शन तो खत्म। सर एफ वीओडी बैच लाओ प्लीज, पेड बैच लाओ। वीओडी बैच देखो बच्चे, लेटेस्ट बैच जो है वो 15 अप्रैल का है, उससे पहले का बैच अगर आप खरीदना चाहते हो तो 1 अप्रैल वाला खरीद लो, उससे पहले का बैच भी मैं आपको दे दूंगा 12 जनवरी का, बट एक्चुअल में 1 अप्रैल का जो बैच है 12 जनवरी वाला
खत्म हो चुका, पूरा हो चुका वीओडी, लेकिन 1 अप्रैल वाला जो बैच है उसमें मैं बहुत लेटेस्ट चीज़ें डिजिटल बोर्ड के साथ, बहुत से लेटेस्ट कंटेंट और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करवाने लग रहा हूँ। पहले डिजिटल बोर्ड नहीं था तो अब डिजिटल बोर्ड के साथ डिजिटली क्लास, डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए पुराने बैच में आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। 1 अप्रैल वाला बैच ले लो, जब तक आप 1 अप्रैल से आज 12 मई तक का खत्म करोगे तब तक आपका और रिकॉर्डेड हो जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि 5 दिन में आप बैच खत्म कर दोगे। ठीक है, देखो ट्रायंगल सीधी है तो ट्रायंगल सीधी बनेगी। अब ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस देखो बच्चे, ये जो लाइंस हैं ये इस तरीके की लाइंस हैं, और डी ऑप्शन में ये जो लाइंस बना रखी हैं, मैं कंप्लीट बना करके दिखा देता हूं, डी ऑप्शन में ये लाइंस ऐसी बना रखी हैं। तो डी ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब है। हेलो प्रशांत कुमार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। अब सिंपल सा फंडा है, ये पलटेगा सेम एज इट इज तो नहीं दिखाई दे सकता ना, तो डी ऑप्शन तो गया, काम बना, पलटेगा तो डी ऑप्शन तो गया। अब इसमें जो है, इस फिगर में जो है, मैं लाइंस बता देता हूं, ये जो लाइंस है वो इस तरीके की लाइंस है, इस तरीके की लाइंस है, और इस तरीके की लाइंस बी गया और सी गया। बी में जो लाइंस है, बी में जो लाइंस है वो इस तरीके की लाइंस थी, और सी में भी ऐसे लाइंस है। ठीक है, बी में भी ऐसे, सी में भी ऐसे। तो सिंपल सा फंडा है ये, अगर मैं कंप्लीट फिगर पे एनालिसिस ना करूं तो ये लाइंस ऐसी आएंगी, और ऐसी सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखी है, ए ऑप्शन में ऐसा दे रखा है लाइंस को अगर आप देखोगे। तो हमें किसी भी क्वेश्चन में कंप्लीट एनालिसिस नहीं करना, जिससे आपका टाइम बचेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप जब बढ़ोगे तो जल्दी से जवाब दो। कंप्लीट ट्रायंगल मिरर के नजदीक है, जल्दी जवाब दो भाई। देखो ये है फिगर, है कि नहीं? तो कंप्लीट ट्रायंगल मिरर के नजदीक है, तो जिसमें कंप्लीट ट्रायंगल मिरर के नजदीक नहीं दे रखी वो ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन तो खत्म। ये जो है ये कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है, ये यहां ये कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है, सी में कंप्लीट ट्रायंगल दे रखी है। अब ये जो फिगर है ये हाफ सर्कल इस डायरेक्शन में बना रखे, और इसमें देखो किस डायरेक्शन में बना रखे, ये ऑप्शन गया। हमें कंप्लीट किसी में भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट। बिल्कुल जो बच्चा ए बोल रहा है बिल्कुल सही जवाब है। हंसु, सुहाना, निर्मल, हर्षिता, स्नेहा, विश्वजीत, ऑल इन वन, कोमल, सब ए जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो अब कंप्लीट ही बना देते हैं, इसमें जब बना ही दिया इतना तो चलो, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं दे रखा, स्किप करो नेक्स्ट। इसमें देखो, देखो बच्चे सिंपल सा फंडा है कि एक चीज तो क्लियर है कि ऊपर कॉर्नर में सर्कल है, कॉर्नर में सर्कल है, तो ऊपर कॉर्नर में सर्कल नहीं दे रखा तो ये दो ऑप्शन तो गए, कॉर्नर में सर्कल नहीं दे रखा, दो ऑप्शन गए। अब देखो ये कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, आप एक सर्कल को समझो ना, मैं बाकी फिगर को देख ही नहीं रहा, मैं सिर्फ सर्कल को देख रहा हूं। सर्कल कॉर्नर पे होना चाहिए, यहां सर्कल होना चाहिए, यहां सर्कल होना चाहिए, दो ऑप्शन गए, इन दोनों में यहां यहां सर्कल दे रखा है। अब इन दोनों में डिफरेंट चीजें क्या है, ये जो लाइंस है, अब ये डबल लाइन है, ये डबल लाइन है, और ये डबल लाइन है, इसमें ये सिंगल लाइन है, तो डी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, तो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही जवाब है, सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलो नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब वाटर इमेज की बात करते हैं, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज की बात करते हैं, मिरर इमेज भी करवाएंगे, टेंशन ना लो, एक बार वाटर इमेज के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वाटर इमेज का मतलब है नीचे की तरफ मिरर रखना, नीचे की तरफ मिरर रखने का मतलब है, तो अब जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है, वही क्वेश्चन, जो नजदीक है जो वही कंसेप्ट, जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। ये एरो इस तरफ जा रही है तो ये एरो इस तरफ जाएगी, ये राउंड शेप ऐसे जा रही है तो राउंड शेप इस तरीके से जाएगी। ठीक है, यहां से ये एरो ऐसे जाएगी, यहां से ये ऐसे जाएगी, क्लियर? हर हर महादेव एनएस,
क्लियर हुआ है? ठीक, ये नजदीक है तो नजदीक है, ये दूर है तो दूर है। वाटर इमेज में ऐसे ही होगा। अगर मैं अल्फाबेट्स की वाटर इमेज की बात करूं तो देखो बच्चे, अल्फाबेट्स में वाटर इमेज, ए की वाटर इमेज एज इट इज दिखा दी मैंने, पलट गया, बी सेम रहेगा, सी भी सेम रहेगा, डी भी सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा, एफ फिर से पलट गया, जी फिर से पलट गया नीचे की तरफ, एच भी सेम रहेगा, आई भी सेम रहेगा, जे राउंड शेप इस तरफ था, देखो राउंड शेप इस तरफ था तो राउंड शेप इसी तरफ रहेगा, के सेम रहना है, एल फिर पलट जाएगा, ये नजदीक है, नजदीक है ये लाइन, ये लाइन, एम का डब्ल्यू की तरह बन जाएगा, डब्ल्यू नहीं बनेगा, डब्ल्यू की तरह बन जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू थोड़ा सा ऐसे होता है और एम हेलो आ जाओ भाई। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि एक बार डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि कौन सा लेटर ऐसा है जिसकी मिरर इमेज और वाटर इमेज सेम बनेगी। हर बच्चा क्वेश्चन ऐसे तैयार करके गया था कि किसकी इमेज कैसी बनेगी, किसकी इमेज मिरर इमेज में कैसे दिखाई देगी, वाटर इमेज में कैसे दिखाई देगी, है ना। बट एक चीज देखो कि कई बार ये चीजें ओरली पूछ ले जाती हैं कि सिर्फ इमेज तैयार करके मत जाओ, आप क्वेश्चन को याद करके भी जाओ। कि साथ में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी मिरर इमेज सेम बनती है। अब बच्चा ये याद करके नहीं गया, बच्चे ने वहां बनाना शुरू कर दिया, ए की बनाई, बी की बनाई, सी की बनाई, तो 11 ऐसे लेटर थे, है ना। तो कुछ चीजें डिफरेंट तरीके से भी पढ़ाई किया करो। एन की मिरर इमेज देखो सेम, वाटर इमेज सेम, ऐसे एस की मिरर इमेज अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए की मिलेगा इनमें से, वाटर इमेज सेम। ऐसी जेड की अगर मैं मिरर इमेज बात करूं तो मिरर इमेज सेम, वाटर इमेज सेम, ठीक है। चलो तो अब वाटर इमेज में देखो वही कंसेप्ट, जो नजदीक है नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। 1 अप्रैल वाले बैच में सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 1 अप्रैल वाले बैच में आप 3 से 3.5 महीने मान के चल रहे हो, अप्रैल मई जून लगभग 15 जुलाई, मेरा बर्थडे है 28 जुलाई का, तो उससे पहले मैं वाइंड अप कर दूंगा, उससे पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया में पहली बार हो रहा है और पहली बार ही होगा, और हमारे जितने भी टीम है वही कर पाएंगे ऐसा। हर जगह क्या होता है कि बैच खत्म बच्चे गए, बैच खत्म बच्चे गए, बट मेरे बैच में क्या होगा कि बैच खत्म होने के बाद कई बार बदलाव होता है। जैसे 1 साल पहले कोडिंग डिकोडिंग के नए पैटर्न आ गए, तो नए पैटर्न आ गए, हो सकता है 6 महीने बाद किसी चैप्टर में नए पैटर्न आ जाए, और नए पैटर्न आ जाए तो वो क्वेश्चंस, वो वीडियो भी अलग से बना करके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मतलब अगर कुछ बदलाव होता है तो आपका नुकसान नहीं होगा, मेरे हर बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपलोड होती रहेगी। बैच कंप्लीट हो जाएगा, नई चीजें आएंगी तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो यहां देखो, अब सिंपल सा फंडा है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक चीज तो क्लियर हुई कि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो एरो नीचे की तरफ आएगा। वाटर इमेज में अगर मैं सिर्फ एरो को देखूं, अब ये देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना रखी है, मुझे मतलब ही नहीं है कॉम्प्लिकेशन का, एरो नीचे की तरफ आएगा। किसी बच्चे से अगर ये पूछा जाए कि बच्चे ये इसकी वाटर इमेज बनाना, हर बच्चा बना देगा, तो बच्चा बोलेगा बड़ा आसान क्वेश्चन आया है। और जैसे ही ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे ऋषि में भी कुछ भी और भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दे दे, तो बच्चा सोचेगा अरे सर बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे भाई हाई लेवल कुछ नहीं होता, चीजों को घुमाया जाता है। अब ये कितना आसान है कॉम्प्लिकेटेड, होगा दुनिया के लिए कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम तो बस यही देखेंगे ना, एरो
इसको देखेंगे। अब हम सिर्फ इसको इससे रिलेट कर दिया, एरो ऊपर की तरफ जा रही है तो एरो नीचे की तरफ जाएगी, मेरा काम हो गया। बाकी सारे लोग, पूरी दुनिया देखेगी कि कैसी इमेज बनेगी, मैं ये नहीं देखूंगा इमेज कैसी बनेगी, मैं ये देखूंगा कि जल्दी कैसे सोल्व होगा। ठीक, चलो सर मैं आपका फैन हो गया हूं, संजय मैं आपका फैन हो गया भाई, ठीक है। आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही है जो और ज्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा ना भाई। देखो सिंपल सी बात है, पढ़ा करके अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए और पढ़ा करके आपके मार्क्स नहीं बढ़े तो मैंने सिर्फ आपकी फीस ली, और पढ़ा करके आप सेटिस्फाई हो गए, आपके मार्क्स बढ़ गए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके 10 रिश्तेदार और 20 गांव वाले और 30 रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी आएंगे, क्योंकि मुखर्जी नगर में 90% स्टूडेंट मेरे रेफरेंस के होते हैं, और मैं बहुत खुश होता हूं कि रेफरेंस वाले स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तब मेरे दिल को सुकून मिलता है। हाँ भाई पहले वाले स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाया इसलिए तो रेफर्ड किया, और ये परसेंटेज बढ़ती जाती है, मैं और ज्यादा खुश होता हूं। मैं मुखर्जी नगर में एडवर्टीजमेंट करूं या यहाँ यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट करूं, उससे एडमिशन हो, उससे ज्यादा मेरे रेफरेंस से एडमिशन हो, उसमें ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसमें लगता है कि हाँ पुराने बच्चों को अच्छा पढ़ाया है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, अगर मैं इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में एंटर करूंगा, मैं क्यों एंटर करूं, दुनिया एंटर करेगी ना, हम तो एंटर नहीं करेंगे। अब ये देखो सिंपल सा फंडा है, ये जो ट्रेंगल है, ये जो ट्रेंगल है कैसी बनेगी, ये ट्रेंगल वाटर इमेज में ऐसी बनेगी, ये ट्रेंगल वाटर इमेज में ऐसी बनेगी। अगर मैं वाटर इमेज ट्रेंगल की बात करूं, मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को आसान सोचा, मैंने किसी भी क्वेश्चन को टफ सोचा ही नहीं, मैं सोच रहा हूं हर क्वेश्चन आसान है, दुनिया का हर क्वेश्चन आसान है। अब अगर ऐसे ट्रायंगल नहीं दे रखी ना तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तीनों खत्म, तीनों खत्म, तो एक ही बचा, बात बन गई। अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो बच्चा बोलता है आसान पेपर आ गया, ये क्वेश्चन आता है तो बच्चा बोलता है मॉडरेट पेपर आ गया, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं तो बच्चा बोलता है टफ क्वेश्चन आ गया। कितना ही टफ बना लो, इसमें मैं सिर्फ ये क्वेश्चन देख रहा हूं बस, और देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों देख रहे हो, दुनिया देखती रहेगी, आप जल्दी से सोल्व करके आगे निकलो। उसका तरीका क्या है, तीन ऑप्शन गलत करने हैं, सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, तीन ऑप्शन गलत ढूंढने हैं। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब सिंपल सा फंडा, ये घर तो सब में सेम बना रखा है, घर तो सब में सेम बना रखा है, तो सेम बना रखा है तो चारों ऑप्शन तो गलत हो नहीं सकते, ये तो सेम बनेगा ही बनेगा। अब ये देखो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड कॉर्नर पे आएगा, कैसा आएगा बाद की बात है, बट राइट हैंड कॉर्नर पे आएगा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे तो नहीं आएगा, दो ऑप्शन तो गए, कैसा आएगा वो बाद की बात है। ठीक है, बच्चे ढूंढते रहते हैं कि कैसा फिगर बनेगा, मैं एक भी क्वेश्चन में ये नहीं ढूंढा कि कैसा फिगर बनेगा, मैं क्या ढूंढ रहा हूं कि कैसा नहीं बनेगा, दो ऑप्शन गए। अब इसमें देखो, इसमें सिंपल सा फंडा है, ये पार्ट हमें पता चल गया, ये मिरर से थोड़ा दूर है तो मिरर से थोड़ा दूर होगा, यहां डॉट बनेगा, यानी कि नजदीक डॉट नहीं बन सकता, ये ऑप्शन खत्म, तीन ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन बन गया, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला देखते हैं। अब इसमें मिरर नहीं दे रखा, अब इसमें मिरर नहीं दे रखा तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मिरर इमेज पूछा है या वाटर इमेज पूछा है। तो बच्चे जब मिरर नहीं दे रखा हो तो आपको दोनों सोचना है, दोनों सोचना है, मिरर इमेज भी साथ साथ में सोचना है, वाटर इमेज भी साथ साथ में सोचना है, क्योंकि मिरर की पोजिशन नहीं दे रखी। ठीक है, तब कोई भी हो सकता है। ठीक सर, आपने बताया नहीं यूट्यूब पे फ्री क्लास चलती है क्या, भाई YouTube पे फ्री क्लास ही चलती है, YouTube पे कोई पेड क्लास नहीं है, 9 बजे डेली रात को 9 बजे क्लास चलती है। ठीक है, फ्री क्लास ही है, कल की क्लास मैराथन जिसने नहीं देखी वो जरूर देख लेना, जिसने कंप्लीट नहीं देखी वो कंप्लीट देख लेना, क्लास के बारे में, क्लास के एंड में बता देना कमेंट बॉक्स में, कल की मैराथन क्लास देखो, बड़े बेहतरीन मेहनत से 2 दिन लगातार मेहनत की तब जाकर के ऐसा कंटेंट बनाया है कि उससे बाहर कुछ ना बचे, कुछ भी मतलब कुछ भी किसी भी एग्जाम में ना रहे। ठीक है, चलो इसमें देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं तो एरो ऐसे जाएगी, और वाटर इमेज की बात करूं तो भी एरो ऐसे जाएगी, क्योंकि इसकी एरो तो यही बनेगी,
मिरर इमेज की बात करूं तब भी एरो ऐसी जाएगी, वाटर इमेज की बात करूं तब भी एरो ऐसी जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में एरो जाएगी, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। इसमें प्लस माइनस दे ही नहीं रखा, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो, ना तो मैंने मिरर इमेज ढूंढा, ना मैंने वाटर इमेज ढूंढा, ना मैंने ये ढूंढा, कैसा बनेगा? 99.99% टीचर इस क्वेश्चन को बना करके सोल्व करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से 99.99 स्टूडेंट भी बनाते हैं। और मैंने देखा, बुक्स हो चाहे वीडियोज हो, हर एक में टीचर ये बताता है कि ये कैसा बनेगा। और मैंने एक क्वेश्चन में भी ये नहीं बताया कि मैंने ये बनेगा कैसे, क्योंकि मैं ये चाहता ही नहीं कि आप ये ढूंढो कि ये बनेगा कैसे। इसकी मिरर इमेज भी नहीं, इसमें 2 मिनट लग जाती है आपकी, अगर आप मिरर इमेज वाटर इमेज के कंसेप्ट में जाते। तो आप ये देखो ना कि इजी पार्ट को देख लिया, ये एरो ऐसे है तो ये एरो ऐसे बनेगी, तो इस डायरेक्शन में एरो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तीनों खत्म, एक ही बचा, बात बन गई। ठीक, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो नया मेरा जो बैच है वो ₹1100 में 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और एक और नया बैच शुरू होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो आप 15 अप्रैल वाला ज्वाइन कर सकते हो। कई बच्चे जल्दी वीडियोज कंप्लीट करना चाहते हैं, 1 अप्रैल वाला ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 अप्रैल ज्वाइन कर सकते हो, 15 अप्रैल ज्वाइन कर सकते हो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और इस बैच की खासियत ये है कि UPSI SSC बैंक, बैंक की बात करूँ तो SBI PO, IBPS PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB सारे एग्जाम कवर होंगे, रेलवे SSC के सारे एग्जाम कवर होंगे, और यूपी के जितने भी बच्चे हैं वो रीजनिंग को लूज मत छोड़ना। बड़े अच्छे लेवल की रीजनिंग आ रही है, बड़ी खतरनाक रीजनिंग आ रही है यूपी के एग्जाम में, चाहे यूपी कांस्टेबल उठा लो, UPSI उठा लो, चाहे कोई भी उठा लो, वो बैंकिंग रीजनिंग पूछ रहा है। और बैंकिंग रीजनिंग इस बैच में बड़ी डिटेल में करवाई जाएगी। प्ले स्टोर पर जब आप जाओगे तो RG विक्रमित एप्लीकेशन है, सारी की सारी PDF आपको मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगी, लेवल वाइज, टाइप वाइज, ये सारी डिटेल में मैंने आपको करवा रखा है। उसके साथ साथ मैथ्स का भी बैच स्टार्ट हो रखा है 1 अप्रैल से, बहुत जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट का रिस्पॉन्स मिला है। प्री प्लस मेंस अर्थमेटिक एडवांस सब पढ़ाया जाएगा, और इंग्लिश का बैच बहुत जल्द आ रहा है, विद इन 1 वीक सुनील जहांगीर सर इतनी डिटेल में इंग्लिश कराएंगे जितनी डिटेल में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और कॉम्बो बैच भी चल रहा है, कॉम्बो बैच मैथ्स और इंजीनियरिंग का चल रहा है, 1 अप्रैल का कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं वो दोनों ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन सेम है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर जब आप जाओगे RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ जो PDF हो वो टेलीग्राम पर रैंकर्स गुरुकुल लाइव नाम से चैनल मिलेगा, रैंकर्स गुरुकुल लाइव, रैंकर्स गुरुकुल लाइव नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है, अपनी जो लोगो है वो लोगो भी दिखाई देगा, जो आपको यूट्यूब पे लोगो दिखाई दे रहा है वही लोगो दिखाई देगा। सारी PDF आपको इस पर मिलेंगी, इस पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो PDF आपको मिलेगी। कल की मैराथन की क्लास अभी PDF मैं अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब की इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, ये चैनल इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिया करो। और बच्चे, सिंपल सा फंडा है, आप बड़े बेहतरीन तरीके से कौन से एग्जाम की तरह तैयारी कर रहे हो एक बार बताना कमेंट बॉक्स में। और उसके साथ साथ जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बच्चे ऑनलाइन स्टडी में एक तो बहुत ज्यादा भागना मत, मतलब आजकल बच्चों का क्या हो रहा है, यहां भाग गए, वहां भाग गए, वहां भाग गए, वहां भाग गए। कई बार तो कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में जब मैं एनालिसिस करता हूं, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, उनमें रिप्लाई आता है, मेरे पास इस टीचर का भी बैच है, इस टीचर का भी बैच है, इस टीचर का भी बैच है, मैथ्स के 10 टीचर का बैच ले रखा है, रीजनिंग के 4 टीचर का बैच ले रखा है, इंग्लिश के 8 टीचर का बैच ले रखा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे, एक टीचर का बैच लो, ढंग से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ढंग से कंटेंट बनाओ अपना, खुद से प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू, ओम साई राम। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तुरंत बाद इंग्लिश की क्लास चलेगी, इंग्लिश की बड़ी बेहतरीन क्लास होगी, तुरंत बाद इंग्लिश की क्लास में आ जाना।